जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपके लिए मंत्र साधना बताने वाला हूँ वो एक रक्षा सावर मंत्र है और सिद्धेश्वरी माता का रक्षा सावर मंत्र है। अब देखिए, सिद्धेश्वरी जो है उनको गायत्री भी बोल देते हैं और दूसरी रूप में सिद्धेश्वरी भी नाम से उनको पुकार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर इसका एक बार रक्षा घेरा आपने अपने चारों तरफ लगा दिया तो फिर कोई हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरी शक्ति आपके रक्षा घेरे को तोड़ करके प्रवेश कर जाए, क्योंकि ये उस माता का शक्तिशाली रक्षा मंत्र है और 100% आपकी रक्षा करता ही करता है। 100 क्या, 101% बोलिए इसको तो, ठीक है। अब देखिए, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए, जो लोग नए हैं चैनल पर, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करके और ऑल के फंक्शन पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऑल के फंक्शन पर क्लिक करने से जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और दूसरा, अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 15 तारीख से, और 14 तारीख में सूर्य ग्रहण पड़ेगा अमावस्या के दिन। लेकिन सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, प्रभाव रहेगा, आप मंत्र जाप मंत्र साधना कर सकते हैं और नवरात्रि में आप माता की साधना कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आप साधना तो कोई भी करिए, क्योंकि नवरात्रि तो बहुत स्पेशल दिन है और पूरे सिद्ध दिन होते हैं ये। अब एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि नवरात्रि में आप कोशिश करना कि मुझे आप मैसेज रात्रि में बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो वास्तव में मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि नवरात्रि में रात्रि में मैसेज मुझे ना करें, क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा आपको। जो मैसेज आपको करने हैं 14 तारीख तक आप मुझे कर लीजिए, सबका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप नवरात्रि से साधना करें तो बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के साधना करते रहें, किसी भी तरह की कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, ना ही पूछनी है, जो आपके मन में आए करते रहिए, ठीक है। अब आगे की बात आपको बता देता हूँ। देखिए, सामग्री के विषय में, जिन लोगों को सामग्री प्राप्त हो गई है वो नवरात्रि से साधना शुरू करें, जिन लोगों ने लेट ऑर्डर किया है उन लोगों को सामग्री थोड़ा लेट मिल सकती है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि में कभी भी आपको सामग्री मिल जाए आप साधना शुरू करें, दीपावली तक का टाइम बहुत शुभ टाइम है, ठीक है, तब तक साधना करें, उससे जितना जी मर्जी आए साधना करें, ठीक है। अब दीपावली के भी मैं आपको बता देता हूँ कि दीपावली से 5 दिन पहले किसी को भी मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊँगा यहाँ से, ये बात आप समझ लेना। दीपावली से 5 दिन पहले पहले मैं आपको यहाँ से सामग्री भेज सकता हूँ। अगर आप सोचे कि दीपावली से 5 दिन पहले आप ऑर्डर कर दें और सामग्री आपको मिल जाए तो नहीं मिलेगी, इसलिए आप उस वक्त में मतलब ऑर्डर करने से बचें, या फिर उससे पहले ही आप मुझे ऑर्डर कर दें तो आपको मिल जाएगी सामग्री, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर रक्षा मंत्र की। देखिए, ये रक्षा मंत्र ऐसा है कि आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप शमशान में बैठो, घनघोर जंगल में बैठो, घर में बैठो, कहीं भी हो, ये रक्षा मंत्र आपका लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। यानी आप एक बार आपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा की तरह एक गोल घेरा खींच दिया मंत्र बोल करके, तो आपकी जो घेरा है उस घेरे के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि माता सिद्धेश्वरी बहुत ही प्रचंड और बहुत ही तीव्र शक्ति है। हालांकि कहने के लिए गायत्री, कहने के लिए सिद्धेश्वरी, लेकिन अगर इनका मंत्र एक बार चला दिया तो समझिए कि वहाँ पर
कहते हैं ना कि पानी में आग लगा दे, तो ये वो मंत्र होते हैं गायत्री माता के, कि पानी में भी आग लगा सकते हैं ये मंत्र। तो इसलिए इन मंत्रों को कम ना समझें बिल्कुल भी। और देखिए इसकी साधना आपको कैसे करनी है वो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा, प्रयोग भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब इसकी साधना करने के लिए आपको किसी भी दिन का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, भाई नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, तब से भी आप जाप शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे रवि पुष्य योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, आप उसमें भी साधना शुरू कर सकते हो, और किसी भी सोमवार से भी साधना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साधना आप जो मैंने बताया है किसी भी दिन से आप शुरू करें, और बहुत ही सरल मंत्र है और बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाला भी है, क्योंकि साबर मंत्र है ये। अब बात आती है कि भाई इस साधना को कैसे करें, तो देखिए इस साधना के लिए आपको एक विशेष माला की आवश्यकता होती है, जो रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला होगी साबरी मंत्रों से, ऐसी माला से आपको मंत्र जाप करना है। और देखिए ये माला आपको कहीं भी विसर्जित नहीं करनी है, इस माला को अपने पास ही रखना है। इस माला से गायत्री मंत्र जाप कर सकते हो, कितने भी साबर मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हो, यानी आप इस माला से बहुत सी साधनाएं कर सकते हो। तो और इसको आप अपने पास ही रखेंगे, अगर धागा कभी टूट जाए तो फिर दूसरे धागे में आप इसको पिरवा करके फिर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से आपको इसे जो है सिद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए ये माला अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ऑर्डर कर सकते हैं, और वो सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी, माला आपको मिल जाएगी, और माला आपको 100% मिलेगी। आप इस बारे में बिल्कुल भी संशय ना करें, ठीक है। जब यह माला आपको प्राप्त हो जाए, या जिनके पास रखी हुई यह माला पहले से ही ले लिया है जिन्होंने, वो भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी दिन, या तो सुबह में कर लो या शाम में कर लो, ठीक है, रात्रि में नहीं करना है, सुबह या शाम को, शाम को मतलब जब सूर्य छिपता है तब शुरू करें, या फिर सुबह के टाइम आप शुरू करो, और अगर सुबह के टाइम 5 बजे 6 बजे ऐसे करो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी साधना कर सकता है। इसी प्रकार से अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। कई बार स्त्रियां पूछती हैं कि भाई हम ये साधना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, साधना कर सकते हो, साधना के लिए अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, और यदि चाहें तो एकांत रूम हो तो उसमें भी कर सकते हैं। एक चौकी लगा लें सामने, अपने गुरु जी की तस्वीर रखें, माता सिद्धेश्वरी यानी गायत्री माता की तस्वीर रखें, और अगर और भी कोई तस्वीर आपके घर में है जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं तो उनको भी रख लें, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, वो तो पूजन तो आप उनका भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक घी का दीपक जलाना होगा, अगर गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो भाई पैकेट का तो फिर मजबूरी है, तो फिर आप पैकेट का ही जलाएं, अगर पैकेट का भी ना मिले तो फिर आप तिल का तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, लाल रंग के पुष्प, ठीक है, चावल, सिंदूर, टीका वगैरह करने के लिए ये चीज़ अपने पास रखें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, आप स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण कर लें, या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, या लाल रंग के करें, जैसी भी आपकी इच्छा है, आसन कैसा भी ले लो, काला नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रंग का हो। इसी तरीके से चौकी पर जो कपड़ा बिछाएंगे, किसी भी रंग का कपड़ा बिछा लेना, काले रंग का, नीले रंग का, ये कपड़ा मत बिछाना, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ
मुख करके बैठ जाएं। अब आगे आपको इसमें क्या करना होगा कि जब आप पूर्ण रूप से जो भी आपने पूजा की सामग्री है सब कुछ अपने पास रख लिया है, तो एक लोटा जल भर के रखें, ठीक है। और अब सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही गुरु हैं, ठीक है। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव उनके गुरु हैं, और भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधना की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि साधना नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर सामने रखें, गुरु चादर ओढ़ लें और उनका पूजन आपको करना है। आपको उनको स्नान करवाना, एक चम्मच जल लेकर के वहाँ पर डालें गुरु जी के फोटो के ऊपर, और फिर फोटो को पोंछ करके और रख दें। उसके बाद टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी मैं ये सिद्धेश्वरी रक्षा सावर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, और ये अपनी गुरु माला से भी कर सकते हो, रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हो, या स्फटिक माला से भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक माला का जाप कर लें। बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है कि भाई एक माला करें, दो माला करें या पांच माला करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। जब गुरु मंत्र का आपका जाप हो जाएगा उसके बाद आपको सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार, क्योंकि ये जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है अगर आप इसका 21 बार जाप करते हैं तो आपकी साधना जो है साबर मंत्र की वो जल्दी सिद्ध होती है और उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता। अब वो मंत्र आपको जपना है, मैं बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों मन का हो मन्नाव करतार, सकल गुरु का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, ठीक है। और फिर आपको जो माता की तस्वीर रखी है उसका पूजन करना है, जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं, माता को टीका लगाएं, ठीक है। अपने भी मस्तक पर भी सिंदूर का टीका लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माता मैं आपका ये रक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और आप मुझे ये रक्षा मंत्र में संपूर्ण सिद्धि प्रदान करें, ठीक है। अब आपकी जो रुद्राक्ष की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है, ठीक है। अब मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ए ई कली पुरुष सिद्धेश्वरी अवतर अवतर स्वाहा, ओम दशांगुली भिंडली विरुड हारी भैरुंड विद्या रानी रोलबंद मुष्टिबंद बाणबंद कृत्यबंद रुद्रबंद नखबंद ग्रहबंद प्रेतबंद भूतबंद यक्षबंद कंकालबंद बेतालबंद आकाशबंद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्व दिशा बंध, ये और ये आछी कह हंस हंस अवतर 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 दशा विप्र रानी दशांगुली सतास्त्र बंदनी बंदसी हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना। देखिए मंत्र थोड़ा बड़ा तो है लेकिन मंत्र में बहुत पावर है, चारों तरफ से सभी दिशाओं को सभी चीजों को बांध दिया गया है इसमें, ठीक है। और इस मंत्र का आप एक माला का जाप करें या पांच माला का जाप करें या दो माला का जाप करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी देर तक बैठ करके जाप कर सकते हैं।
एक माला से कम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा तो आप कितना भी करो लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो साधना है ये कम से कम 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है, क्योंकि साबर मंत्र है, 21 दिन तक साधना जरूरी है, ठीक है। और 21वें दिन फिर आपको क्या करना है, एक माला से हवन भी करना है। अब हवन आपको कैसे करना है, थोड़ी सी सामग्री ले लें, बाजार में मिल जाती है पैकेट में, आम की लकड़ियां ले आए, वो भी बाजार में मिल जाती है, और अगर किसी के पास में घर के आसपास या जंगल में आम का पेड़ है तो वहां सूखी लकड़ियां उसकी तोड़ लाए। और फिर क्या करना है आपको कि उन लकड़ियों को के ऊपर आपको थोड़ी सी कपूर नीचे लगा दें और लकड़ियां ऊपर रख करके, और फिर उसमें अग्नि जो है प्रवाहित कर दें। अग्नि जब उसमें जल जाए तो जो आपकी सामग्री है ना उस सामग्री में थोड़ा सा घी मिला लें, उसको मिक्स कर लें, और मिक्स करके और फिर आपको उल्टे हाथ में माला पकड़ लेनी है। खाली गिनती तो करनी है आपको कि भाई कितनी मैंने आहुति दे दी है, और इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही आपको जपना है। अब इसमें ये संशय मत करना कि भाई इसमें स्वाहा बाद में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है, ये जो मंत्र है इसमें कुछ वैदिक मंत्र भी शामिल है और इसमें साबर भी शामिल है, दोनों का मिक्सचर है ये, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपको संशय नहीं करना है। ये आपको जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही जपना है। एक बार मंत्र जपें और थोड़ी सी हवन सामग्री उठा करके तीन उंगली और अंगूठे से, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसको दूर रखें, वो टच नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी सामग्री उठाएं और जैसे ही लास्ट हो मंत्र का तो बोल करके और अग्नि में समर्पित कर दें। इस प्रकार से एक माला का आपको जाप कर लेना है, ठीक है। पूरे साधना काल में आपको अनुभव भी होंगे बहुत से, उन अनुभवों को गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है, साधना अपनी गुप्त रखनी है, क्योंकि हमेशा साधनाएं गुप्त ही रखी जाती हैं। और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन से और तन से दोनों तरीके से, और साथ में आप जो भोजन करेंगे भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक आपके विचार होने चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान रखना इन चीज़ों को कि विचार जो मैंने आपको बोला है, सात्विक विचारों में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कि बिल्कुल भी आपको किसी से द्वेष नहीं रखना है, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी के बारे में षड्यंत्र नहीं रचना है, मतलब ये सब चीज़ें गलत हैं जब आप साधना कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, बिल्कुल सात्विक रह करके और साधना करें, आपकी साधना 100% पूरी होगी, इसमें कुछ कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। अब जब आपका मंत्र ये पूरा हो जाए, इसका जाप हो जाए, साधना पूर्ण हो जाए, हवन कर लें, ठीक है, आप चाहें तो एक कन्या को भोजन आप करा दें, ठीक है, उसको यथाचित जो भी आपसे बने वो दे करके उसको विदा करें भोजन करा के। तो अब इसके बाद जब आपको प्रयोग करना होगा, ये आप प्रयोग इसका कैसे करेंगे, मान लिया कि कोई भी आप लोहे की कील ले लें, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लें, कुछ भी हो जिससे कि मतलब गोल घेरा रेखा खिंच जाए, वो चीज़ होनी चाहिए, और मंत्र को आप 7 बार बोलेंगे, 7 बार बोल के और अपने चारों तरफ जितनी दूरी को लेकर के भी आपने गोल घेरा बना दिया, समझिए कि उस घेरे के अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं करेगी। और अगर आपने एक बार मंत्र पढ़ के अपने शरीर पर एक बार फूंक मार ली तो कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बहुत ही तीव्र और तेजस्वी, जिसको बोलते हैं माता सिद्धेश्वरी का रक्षा साबर मंत्र है ये, इसको तोड़ने की सबकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इस प्रकार से सुरक्षा अपनी कर सकते हैं, या यदि आप कहीं मंत्र जाप कर रहे हैं तब भी आप इस घेरे को लगा सकते हैं। और दूसरा कि जो भी चीजें हैं
सभी चीज़ों को एक तरीके से इसमें बांधने के लिए बोला गया है, सभी चीज़ें बंध जाएंगी। अगर घेरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी तो बंध के एक तरफ साइड हो जाएगी। और दूसरी तरीके से अगर मानिया आपको कहीं लकड़ी भी ना मिले कि भाई गोल घेरा बनाने के लिए, तो आप पानी से भी बना सकते हो। पानी की धारा चारों तरफ आप डाल दें, जितनी उसमें पानी की धारा पड़ जाएगी समझ लीजिए उतना ही घेरा आपका जो तुरंत ही उसमें घेरे के अंदर रहेंगे तो फिर कोई भी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगी, घेरा उसमें लग जाएगा। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।